ये हम गरीबों का राजपथ भी है, कितना शानदार लोकेशन है। इस जगह के बारे में एक और ख़ास बात है कि यहाँ एक समय में लाखों लाख तो शायद नहीं पता नहीं इतना ही कुछ है कि बड़ी संख्या में आम के पेड़ लगाए गए थे, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है दरभंगा की वो आम के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी फसल होती है आम की। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक बागीचा बनाया गया था आम का, और अभी भी कुछ कुछ पेड़ नज़र आता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो शायद सही तरीके से उसको मेंटेन किया गया या नहीं, वो क्या हुआ, ख़राब हो गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉज टाइप का ये बना हुआ था, एक बहुत बड़ा कैंपस था जिसमें जानवर सब पाले गए थे, लेकिन आज वो सब कुछ नज़र नहीं आता है। ये इसका फ्रंट व्यू है उस बिल्डिंग का। ये महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह की मूर्ति है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि उनका जन्म 1858 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1898 में, यानी कि अनफॉर्चुनेटली वो केवल 40 बरस ही जिंदा रहे, और लेकिन उनका जो 40 वर्ष का कार्यकाल था एक राजा के तौर पे उसे बहुत याद किया जाता है। बहुत सारे उन्होंने काम किए, वो कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर में से थे। उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सहयोग किया, बहुत सारे दान दिए हैं, और गांधी जी के भी बहुत अच्छे वो फ्रेंड थे। उसके अलावा उनका जो योगदान है इस परिवार का और इस राजा का, वो है इसमें के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो बनारस में है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके वो फाउंडिंग फादर में से एक रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट दिए हैं, इनको डोनेशन करने के लिए जाना जाता था, काफ़ी फेमस थे पैसे डोनेट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत अमीर थे। एक समय में ये देश के सबसे अमीर ज़मींदार हुआ करते थे, इनकी ज़मींदारी बिहार से लेकर बंगाल तक फैली हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा डोनेशन करते थे। उन्होंने खूब डोनेशन दिल खोल करके एकदम कहते हैं दानी राजा, तो उस तरह के मतलब थे वो। तो इन्होंने बहुत देश के तरक्की में उस समय इनका बहुत बड़ा योगदान था। अंदर जाना अलाउ नहीं है, वरना मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाता कि इनका ऑफिस जो था वो कितना खूबसूरत था। मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखे हैं, बहुत बहुत एकदम महल टाइप का अंदर में बना हुआ है, एक्चुअली महल ही है, तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टूरिस्ट के लिए, ऐसे विजिटर के लिए अलाउ नहीं है। वो कार्यालय है, वहाँ काम होता रहता है, ऑफिस है, तो सबके लिए अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर जा नहीं सकते, वरना मैं आपको दिखाता कि वो कितना अच्छा था। ये सब तो ये दीवार वगैरह बाद में दिया गया है, लेकिन एक ज़माने में ये एक बेहद खूबसूरत पार्क हुआ करता था, और उसी से कुछ निशानी शायद अभी भी मौजूद हो, और इसमें एक स्विमिंग पूल भी हुआ करता था। मैं काफ़ी पहले आया था, लेकिन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, या मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है, 400 एकड़ में होगा शायद, तो इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है कहाँ पे था एग्जैक्टली। अगर मुझे दिखा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। मैं अभी 3-4 घंटे इस कैंपस में हूँ। कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फ्यू रेड पैलेसेस इन कंट्री। पता नहीं यार मैं इससे अच्छा व्यूज़ ले पा रहा हूँ या नहीं, बट आई थिंक अगर आपको ये फुल व्यू में दिख रहा होगा ये महल कितना बड़ा और कितना शानदार है। नज़दीक से तो है ना कि ज़्यादा क्लोज शॉट अच्छे से पता नहीं चल रहा है, बट ये मैंने फुल स्क्रीन पे लेने की कोशिश की है, एंड यू कैन सी एक्चुअली हाउ ब्यूटीफुल द पैलेस इज़ इट्स एक्चुअली ए पैलेस, महल है ये बहुत बड़ा, पीछे भी इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है। आई विल ट्राई टू गो इफ दे अलाउ मी, बट आई डोंट थिंक दे विल अलाउ, एट द एंड इट इज़ एन ऑफिस, इट इज़ अ प्लेस यूनिवर्सिटी, सो देयर माइट बी लाइक आई डोंट वॉन्ट टू इंटरप्ट देयर वर्क। ये उसी कैंपस का ये दूसरा हिस्सा है, सेकेंड पार्ट है। यहाँ एक बड़ा सा पोखर है इधर जो सूखा हुआ है, शायद दिख जाए आपको, और ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है इधर, पता नहीं बहुत सारे काम होते होंगे। आई विल गो देयर एंड विल सी व्हाट इज़ एक्चुअली देयर। यहाँ एक तालाब है, और यार इसमें दिख रहा है बीच में एक पिलर टाइप का है, तो इस इलाके में, पूरे मिथिलांचल इलाके में, मैं जहाँ भी देखता हूँ बहुत ज़्यादा ये पिलर दिखता है हर पोखर के, हर तालाब के बीच में। तो मुझे इसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस नहीं पता, बट ज़रूर कोई रीज़न होगा, तभी तो ये बीच में लगाते हैं। ये ढलाई वाला है, और कई जगह पर ऐसी पेड़ का जो काट करके लगा देते हैं बीच में, और काफ़ी पुराना होता है, बहुत पुराना। मुझे इसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस नहीं पता है क्या है, मे बी मैं किसी से पूछूंगा, शायद मुझे पता चले एक्चुअली है क्या। ये दीवार भी कम से कम मेरे हिसाब से 100-150 साल पुराना तो होगा ही, ये इसका आर्किटेक्चर से ऐसा लग रहा है कि नया तो बिल्कुल नहीं है, जितना खूबसूरत डिज़ाइन में अब कहाँ बनता है, अब तो बस ऐसे ही सिंपल लोग खड़ा कर देते हैं दीवार काम के हिसाब से। एक्चुअली एक ही कैंपस को दो हिस्से में बांटता है ये वाला दीवार।
को, चूँकि एक यूनिवर्सिटी कैंपस है इसलिए बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स यूनियन होता है, जो पॉलिटिकल विंग होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट पार्ट का, तो उसका भी प्रचार बहुत दिखता है। इसमें हर टावर में हर दीवार पे कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल है। इवन ये सामने जो बना हुआ है ना, ये भी ऐतिहासिक इमारत है, इसका भी कुछ हिस्टोरिकल पर्पज रहा होगा, क्योंकि अब ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर में नहीं बनते हैं कोई भी घर। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये दो यूनिवर्सिटी है, पिछला वाला जो हमने दिखाया था वो रामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी था, और यहाँ से मिथिला यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ, ऐसे लिखा हुआ ना, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। तो शहर के इस हिस्से को यहाँ के राज परिवार ने डेवलप किया था, लेकिन शहर का दूसरा हिस्सा भी है जिसको लहरिया सराय बोलते हैं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, उसे अंग्रेज़ों ने डेवलप किया। वहाँ जितने भी बिल्डिंग हैं सब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं, और वो आज भी इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के तौर पे ही यूज़ होता है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो मेन ऑफिस है वो वहीं पे है, और वो सारे अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, उसी ज़माने का बनाया हुआ। मुझे यहाँ से एक पाया दिख रहा है, और हाँ ये रहा, मैं जाऊँगा वहाँ पे, मैं उससे क्लोज शॉट लेने की कोशिश करूँगा, दूर है लेकिन मैं जाऊँगा। आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस ब्यूटीफुल पिलर्स, बट आई गेस देर हैव बीन सम वॉल्स सराउंडिंग दिस, बट इट नो वेयर एग्जिस्ट नाउ। You can see the architecture. It's pretty beautiful. And you can imagine these towers have been more than 150 years old.